नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा है, जहां के विधायक थे प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल अब फूलपुर लोकसभा से सांसद हो चुके हैं और यहां पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव होना है, ऐसे में हम लोगों ने जो है एमटी टॉक शो की टीम ने जो है चक हिनौता में प्रवेश किया है। चक हिनौता फूलपुर में लगाता है। चक हिनौता की जनता हमारे साथ में और आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि उपचुनाव में क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके से लोगों का जो है व्यूज आ रहा है। चलिए सर, सबसे पहले आप बताइए अम्बरीश जी कि किन मुद्दों पर चुनाव उपचुनाव लड़ा जाएगा। देखिए सर, यहाँ ये जो हमारा फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें विकास की बात होती है। तो जितने ये जो पूर्व विधायक जी थे, जो अब वर्तमान प्रवीण पटेल जी, तो ये जो है लाइन उस पार सिर्फ अपने ही क्षेत्र में अधिक समय देते हैं, विकास की बात वही करते हैं अपने वर्ग। हमारी कचहरी बेल्ट में जो है इनको पिछली बार सपोर्ट हुआ, लेकिन सीधे सीधे नकार गए कि हमको वहां से सपोर्ट नहीं, विकास विकास मुद्दा रहेगा। विकास जो है हमारे क्षेत्र में जो है उनके द्वारा अभी तक जो है विशेष कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं जिससे सार्वजनिक लाभ जो है इस क्षेत्र की जनता को मिले। यानी भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप बताइए। जी, जी जी, क्या कहते हैं कि अशोक जी क्या जो है मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यहाँ पर विकास का है। अच्छा जी, विकास तो हुआ है, सरकार तो कहती है खूब विकास किया है। विकास हुआ है, लेकिन यहाँ की पब्लिक जो राहुल जी और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ है इससे बहुत संतुष्ट है। पीडीए से, पीडीए पीडीए नहीं, पीडीए के साथ साथ राहुल जी और अखिलेश जी का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम पर लोग संतुष्ट हैं। और अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वर्तमान सांसद तीन बार के विधायक थे और एक भी समय में कभी भी विधानसभा में अपनी आवाज फूल बूंदी उन्होंने, इसीलिए उन्होंने संसद में पहले ही बोल दिया, आज भी नहीं। अच्छा आप बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होगा, मुद्दा बताइएगा। मुद्दा हम बताओ तो पीडीए और गठबंधन में है। और लेकिन यहाँ पर जो है अगर कांग्रेस को सीट दी जाती है तो मनीष को दिया जाए, बाद में बात करेंगे। मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए जब पीडीए सबसे ज्यादा है। चलिए ठीक है, आप बताइए सर फूलपुर में क्या समस्या देखते हैं, क्या उपचुनाव में जो समस्या है? नौजवान के नौकरी लड़का पड़ के घूमत है, न कोनो केहू को नौकरी मिलत बटे, उससे भाजपा सरकार आई है। ये मुद्दा तो लोकसभा में भी बना था। हाँ, लेकिन तो लोकसभा में क्या हुआ, भाजपा सरकार बन गई। हाँ तो जौन बात है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बेरोजगारी है, बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, आपके नजर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोकसभा में उनकी सरकार जरूर बन गई, मगर 420 ही से बन गई। यहाँ पर कोई प्रकार का वो नहीं हो पाता है। विधायक वर्तमान समय में जो हैं या आप सांसद हो गए, उन्होंने गांव और गलियों में आकर के उनको दिखाया जाए कि ये रोडें, आप सामने रोड देख लीजिए, यहाँ पानी जल भराव पड़ा है। हम लोग इतनी आपत्ति से यहाँ पर झेल रहे हैं। कभी भी तीन बार वो विधायक हुए, आप सांसद हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि तो ये पर्सनल गाँव की समस्या बता रहे हैं ना, पर्सनल गाँव की, मगर यहाँ पर बेरोजगारी। हाँ, हमारे युवक जितने हैं बेचारे ऐसे बेरोजगार है, क्या मुद्दा बनेगा उपचुनाव में? इधर आओ, आप तो युवा हो, पूछते हैं। हाँ बताइए क्या मुद्दा बनेगा? ये मुद्दा बनेगा यहाँ सब जो किसान परेशान है, किसान परेशान है, पहली बार नई बात। कचहरी बेल्ट में जानवर से किसान बहुत परेशान है। किसानों को क्या समस्या अशोक जी? किसानों की समस्या बहुत जटिल है यार, तो दुगनी कर देंगे सर। नहीं सर, दुगनी क्या, जब सांड और गाय चर लेती है, गौशाला तो बनवा दिया है, गौशाले जानवर मर रहे हैं। पारा बोला जानवर मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और मूल बात हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत से किसान बटाई पर आधे पर खेती करते हैं, अधिया पर उनको कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ। युवा है आप, बताइए पढ़ाई करते हैं जी? तो क्या आप समस्या युवा? पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। पढ़ते हैं लड़के, पेपर लीक हो जाता है। हाँ, हाँ, लड़के हाँ, कहाँ जाना, वैकेंसी निकल रही है। हाँ, वैकेंसी भी नहीं आ रही। देखिए इस सरकार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। चलिए हमारे पीछे भी है, आप बताइए भोला जी क्या जो है आप देखते हैं कि उपचुनाव में ऐसे मुद्दे थोड़ी काम करेंगे, सरकार कहाँ गिरने वाली है एक विधानसभा जीतने से ज्यादा। यहाँ जो है लोकल मुद्दे हावी है, आप जान लीजिए। जैसे तो दो दो बार तो भाजपा के विधायक रहे, उसके पहले वो बसपा से रहे। हाँ। लेकिन जब से ये गठबंधन हुआ इंडिया गठबंधन, आप किसी बगल में चले जाइए या यही
इस गांव के अगल बगल अभी समय पर उसको आप देख नहीं रहे, यहाँ पशुओं का इतना भयंकर आक्रमण है। सरकार बदल देगा पशुओं का आक्रमण ना, क्यों नहीं बदल देगा? जब हम विधायक जब हमारा विधानसभा में आवाज जाएगी तो सरकार के कान में कुछ जूर होंगे कि नहीं रोगे, दूर क्यों खड़े हैं? हाँ। नहीं गूंगो गूंगे बहरे थोड़ी हो जाएंगे बीजेपी वाले। आप बताइए क्या लगता है आपको, यह जानवर से ज्यादा परेशानी का? देखो भाई सभी लोग जानवर से परेशान है, सरकार को इसे वो करना चाहिए। चलिए मैं फिर चालू करता हूँ, एक मुद्दा ये है कि सरकार का कहना है कि जितने अपराध होते हैं वो सब बंद है, अपराधी या तो जेल में है या तो बाहर है, अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, तो फिर आखिर भाजपा क्यों नहीं? तो भाजपा जो है अपने अपराधियों को छोड़ दे रहा। अपने अपराधी मतलब क्या, अपराधियों में भी भेदभाव है? आपके अपराधी दूसरे उनके अपराधी अपराधी है, उनके सांसद और विधायक काफी अपराधी है, काफी अपराधी है, लेकिन उनको तो एकदम से अपने पास लिए है, जो उनसे के खिलाफ होता है तो उसको बाहर निकाल कर। सरकार कहती है अम्बरीश जी की कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, आप कितना सहमत है इस पे? हम नहीं सहमत है सर। अच्छा, इसलिए कि वो जातिगत की बात करते भी हैं, क्योंकि समाज में दृष्टिगत हो भी रहा है। वो अगर अपराध की बात करते हैं तो अपराध बंद नहीं है, अपराध ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। अच्छा? किसी को बनाने में किसी को दफन कर दिया जा रहा है, कोई न्यायालय में अगर कार्यक्रम मतलब उनका चल रहा है केस, तो उनको जो है भूमिगत कर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने संविधान की भी अवहेलना किया है। देखिए जैसे कि आपने देखा कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान के नाम पर जो है सरकार मतलब चुनाव भी इस समय लोकसभा का हुआ था, जिसमें जो है पीडीए को गठ समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस को 6 मिल भी गई थी। चलिए आप बताइए, रखिए। हाँ नहीं आज तक बीजेपी सरकार, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए बीजेपी सर, बीजेपी से कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। क्यों, अपराधी तो जेल में है। भाई अपराधी जेल में है, बाहर है, इनकाउंटर हो जाता है? नहीं, इनकाउंटर नहीं हो रहा है। हाँ। भाई जो उनके मशरफ का काम नहीं किए उनका इनकाउंटर हो रहा है, और उसके बाद जो है जो अंदर है उनकी व्यवस्था दी जा रही है ठीक, और बाकी लोग जो है गरीबों के लिए जो है क्या कर रहे हैं मोदी? चलिए आप बताइए, कानून व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त कह रही है मोदी सरकार, से ज्यादा परेशान है रोड में पानी या लगा रोड पर। अरे ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई ना, पानी कितना दिन बरसेगा? आप बताइए, कह रहा हूँ। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि जो इनके है बबलू सिंह, उनका धनंजय, हाँ इनका पंक कहना है क्या, विजय सिंह की क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए चलिए, आपका कहना है कि इसमें जो है भेदभाव हो रहा है, आप ये बताइए सत्ता भारतीय जनता पार्टी जी उपचुनाव होना है, कहा जाता है कि उपचुनाव जो शासन सत्ता का चुनाव होता है तो कैसे जो है इंडिया गठबंधन जीत पाएगी? ये बात बिल्कुल आप 100% सही कर रहे हैं। हाँ। जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता में बहुत बड़ी ताकत। आपको क्या लगता है उपचुनाव में जो है बीजेपी या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जीते पक्का, बिल्कुल। लोकसभा में देख लीजिए 18,000 से हम लोग आगे थे। आप बताइए आपका क्या राय है? हाँ इंडिया गठबंधन। आप बताइए सबकी, आप बात कर रहे हैं अपने मन की बात कर रहे हैं? अपने मन की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग हिनोत्तम, आप बताइए यहाँ से कौन जीत सकता है, इंडिया गठबंधन या जो है बीजेपी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीतेगी। अच्छा क्या आधार आप मानते हैं? आखिर जो है दो दो विधानसभा चुनाव भाजपा जीती, उसके पहले जो है प्रवीण पटेल बसपा से जीते थे, और क्या आधार मानते हैं कि जो है इंडिया गठबंधन जीते? पहले की और बात, हाँ इस समय जो गठबंधन हो रहा है भाजपा के कारनामों से, भाजपा के कारनामों से यहाँ इंडिया गठबंधन के मजबूत हो रहा है। आप एमपी के इलेक्शन में इसी फूलपुर से आप 18,000 वोट से हारे हैं, आपका शहर पश्चिमी और उत्तरी ने बढ़ाया नहीं, ये पूरे देहात में ये मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन नहीं रहेगा, इससे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री है, यहाँ के प्रभारी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ इंद्रजीत सरोज भी है। अच्छा समझे, सुवर्ण पासी को तो टिकट दे दिया है बसपा ने, बसपा ने दिया है ना। हाँ। तो बसपा हमारे गठबंधन में कहाँ है? चलिए अच्छा आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ बात हो रही है जी, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी किस पार्टी को देखना चाहते हैं, सपा या कांग्रेस? अगर यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन में जो लोगों की यहाँ पे एक जन जागरण चेतना दिखाई दे रही, लोगों की एक भावना दिख रही है, वो यहाँ पे कांग्रेस का,
अच्छा मतलब कांग्रेस को प्रत्याशी कांग्रेस का होना प्रत्याशी में और श्री मनीष मिश्रा जी को सब लोग चूंकि वो सर्व के प्रिय हैं। अरे वो हलीम अंसारी भी कांग्रेस नेता वो भी लेकिन लेकिन वो जो है अभी चुनाव भी लड़े हैं इतने क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देते हैं और न तो कभी किसी के सुख दुख में आते हैं ऐसा। अच्छा आप बताइए जैसे कि अशोक जी इंडिया गठबंधन में आप चाहते हैं कि किस पार्टी को का पार्टी प्रत्याशी हो सपा या कांग्रेस जी चूंकि हम कांग्रेस से हैं। अच्छा आप कांग्रेस से हैं तो हम तो हैं कि हमारी पार्टी को टिकट मिले हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़े कौन होगा प्रत्याशी मनीष मिश्रा तो लड़े तो थे लोकसभा 32,000 वोट खाली पाए थे। अब समय देख खरबूजा के देख खरबूजा रंग बदला। अच्छा आप बताओ कांग्रेस या सपा देखिए यहाँ मेन चीज है कि कांग्रेस या सपा नहीं यहाँ कांग्रेस अगर पाती है मनीष मिश्रा पार्टी तो मनीष मिश्रा वास्तव में जीत जाएंगे। अच्छा क्यों जीतेंगे सपा प्रत्याशी रहेगा तो नहीं जीतेगा। हाँ सपा प्रत्याशी जीतेगा। मैं अभी सपा प्रत्याशी पर भी आता हूँ आप बताइए किस पार्टी का कांग्रेस की सीट जानी चाहिए या जो है फिर सपा में जानी चाहिए। सर सीट जैसे नहीं देखिए जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ हाँ। उसमें जो है लोकसभा ने जो है बढ़िया टक्कर दी हाँ। ठीक अब उपचुनाव जो है हमारे पक्ष में होगा पक्ष में तो होगा ठीक है मान लिया आप लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां उसमें ये सपा की जो है पुरानी सीट रही है दूसरे नंबर पर हमारे पिछली बार भी आएंगे लेकिन उनका जो है संपूर्ण समर्थन हमारे मतलब चाहे सपा का हो चाहे जो है गठबंधन प्रत्याशी को आप लोग गठबंधन को देंगे वो चाहे सपा को हो चाहे कांग्रेस। अच्छा पवन द्विवेदी हैं रविंदर मिश्रा हैं शशांक त्रिपाठी हैं मनोज पाले हैं धर्मराज पटेल हैं किसी एक का ऐसी छवि है कि उसका नाम लिया जाए हाँ इसी को मिल जाए नहीं अभी भाई अखिलेश जिसको चाहेंगे उसको जब तक हाँ सपा के दावेदारों में किसको चाहे जब तक टिकट क्लियर नहीं हो जाता तब तक नाम लेना जो है ठीक नहीं है। आप बताइए मनीष मिश्रा का नाम खुल के ले रहे हो सपा के दावेदारों किसी का नाम क्यों नहीं। असल में ऐसा चीज है अभी इतना कोई लोकप्रिय नहीं है नेता धर्मराज जी है तो सांसद रहे हैं लोग जानते हैं लेकिन आप जितने लोगों को नाम बता रहे हैं इसमें से पूछिए कितने लोग जानते हैं ये सब समाजवादी वाले हैं। आप बताइए प्रत्याशी कौन होना चाहिए आप तो बता चुके हैं आप बताइए प्रत्याशी सपा नाम कोई बताएंगे नाम नहीं जो टिकट देंगे अखिलेश राहुल भाई देंगे उसी का हम लोग ठीक है। आप बताइए बहुत दूर खड़े हुए हैं ये बताइए सपा में किसको चाहते हैं मुस्तफा सिद्दीकी या जो है मंसूर आलम या फिर दूसरे अगर सपा से टिकट धर्मराज पटेल को दिया जाएगा तो वो जीत निकाल लेंगे और कांग्रेस से मनीष मिश्रा जी को दिया जाएगा तो ये दोनों आदमी निकाल देंगे। अगर या तो कांग्रेस से मनीष को दिया जाए समाजवादी से धर्मराज को दिया जाए तो टिकट निकल जाएगा। अच्छा अच्छा मतलब आपको लगता है अशोक जी को चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन जीत जाएगी जी यह जिसको चाहे वही सुहागन है। तो चलिए लास्ट कमेंट बताइए कि जो है कैसे कैसे किस रणनीति के तहत आप लोग जो है ये कह रहे हैं कांग्रेस को जाना चाहिए जबकि दो दो बार तीन बार समाजवादी पार्टी है सर कि यहाँ पे कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू प्रथम उनकी तो प्रथम जो है यहाँ ये कांग्रेस की सीट है विगत कुछ वर्षों में जो है यहाँ समाजवादी की जो है सीट समाजवादी लेकिन हमारा गठबंधन है हमारा गठबंधन है तो गठबंधन से अगर राहुल जी अखिलेश जी गठबंधन में जिसको प्रत्याशी अगर कांग्रेस को बनाते हैं तो इनको जो है सब लोग सपोर्ट करेंगे मनीष मिश्रा जी को सब दल के मतलब जितने मतलब अगर मनीष नहीं आते सपा कोई आता तो उसको भी सपोर्ट करेंगे हाँ तो उसको भी हम लोग करेंगे ये कहने चाहिए। अगर आप बताइए कि जैसे कि कांग्रेस का तो संगठन जमीन पर इतना मजबूत नहीं है तो फिर कैसे दावेदारी हो सकती है या सपा संगठन से ही अरे कांग्रेस तो भी देखिए आप लोकसभा में एक सीट जीती नहीं प्रियंका से। अच्छा इलाहाबाद लोकसभा जीत हम गठबंधन खासतौर पर सपा अध्यक्ष से निवेदन आपके माध्यम ठीक है बिल्कुल अध्यक्ष से निवेदन करना चाहते हैं अब 6 सीट आपने अपने लिए लोग कह रहे हैं तो 4 सीट जो कांग्रेस को दे रहे हैं तो कम से कम आपसे निवेदन 4 सीट दे रहे हैं 2 सीट दे रहे हैं दो ही सही तो एक गाजियाबाद हो गई खैर हो गई मीरापुर हो गई जी जी एक सीट पूर्वांचल में भी चाहिए अच्छा। और फूलपुर की चाहिए और फूलपुर कम से कम गठबंधन में आपके गठबंधन में उपचुनाव में कांग्रेस भी एक
विधायक बन जाए, दो से तीन हो जाए। चलिए आप बताइए, आप भी जो है यही कहते हैं कि देखिए हाँ। जो है अब हमारी मंशा यही है हाँ। कि हमारी लोकसभा में एक सीट हमने लिया गठबंधन से, अब हम सोच रहे हैं कि विधानसभा में भी, मतलब इलाहाबाद में हाँ। प्रयागराज में एक लोकसभा मिल गई, एक विधायक भी हो जाए। हाँ, चलिए आप भी यही चाहते हैं? अच्छा यही चाहते हैं, तो चलिए आप बताइए सर, बस लास्ट कमेंट दीजिए, क्या कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है या फिर जो है आपका ही? हाँ सर, अगर कांग्रेस, चलिए आप बताइए, कांग्रेस में ही जाएगी, कांग्रेस में जाना चाहिए, जाएगी जाएगी कॉन्फिडेंस। चलिए हम लोग आज चक हिनौता गांव में थे, आपने जैसा कि देखा चक हिनौता के लगभग सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया, आप लोगों का स्पष्ट कहना है कि इंडिया गठबंधन यहां से चुनाव जीत सकता है, बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी दे दिया शिवरण पासी को, और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से बात हो रही है कि कांग्रेस को अगर जाता है, कांग्रेस को अगर सीट जाती है तो मनीष मिश्रा को जो है प्रत्याशी होना चाहिए। मनीष मिश्रा आपको बता दें कि नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी से उनका संबंध है, उनके पिताजी जे एन मिश्रा को जो है यहाँ बड़ा सम्मान लोग देते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हम आपको दिखाएंगे, अभी हम लोग जो है और जगह जो है जाते हैं और पता करते हैं कि क्या होने जा रहा है।